और करेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। बोर्ड के चुनाव को लेकर मेधावियों से मुलाकात करेंगे सीएम को महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। 24 विभाग के विधायकों के साथ असम पहुंचे शिंदे, आज उद्धव ठाकरे ने बुलाई की अमृत बैठक। मोदी ने पांचवें दिन राहुल गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब, अब तक राहुल से 50 घंटे से ज्यादा हुई पूछताछ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दर्ज हुआ केस, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि का किया केस। राष्ट्रपति चुनाव 25 जून को नामांकन दाखिल करेंगे द्रौपदी मुर्मू, 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव। सिकैन के बीजेपी विधायक समेत 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वेयर हाउस मालिक और उनकी कार चालक पर जानलेवा हमला और लूटपाट करने का है आरोप। सरकार पर सियासी संकट के बीच शिवसेना ने किया पोस्टर से बड़ा हमला, लिखा हमारी बादशाही तो खानदानी है। प्रतापगढ़ में एंटी करप्शन टीम की हुई बड़ी कार्रवाई, लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। असम में बाढ़ से बिगड़े हालत, कोकली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। बांग्लादेश में बाढ़ की मची तबाही, इस बाढ़ में अब तक 32 लोगों की हुई मौत, 90 लाख से लोग हुए बेघर। राजधानी स्टॉक होम के शॉपिंग मॉल में लोगों पर हुआ चाकू से हमला, इस हमले में 2 लोग घायल और 1 की हालत गंभीर। जिनके वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, निजी वार्ता में WHO महानिदेशक ने माना। क्रीमिया में तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन ने किया हमला, जिसके बाद रूस ने सेवरोस्की डोनेस्क नदी क्षेत्र और तोश्किवका शहर पर किया कब्जा। हिंदू आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद ने पीएम मोदी को लिए कही बड़ी बात, भारत में ऐसे पीएम की संत समाज ने की थी कामना। श्रीलंकाई टीम ने रच दिया इतिहास, 30 साल बाद घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती सीरीज। इंग्लैंड में नजर आए विराट कोहली की लीडरशिप, प्रैक्टिस सेक्शन के बाद खिलाड़ियों को कोहली ने दी मोटिवेशनल स्पीच। 105 साल की रामबाई ने लगाई सुनहरी दौड़, 100 और 200 मीटर रेस में गोल्ड जीत कर रखा इतिहास। भारतीय मूल की दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टार्लिकर ने रचा इतिहास, FICA की पहली महिला। इंग्लैंड की टीम पर किया कोरोना चार्ज, न्यूजीलैंड के खिलाफ आर्बिटर्स मैच से पहले कप्तान बेन स्टोक्स की भी बिगड़ी तबीयत। और बनकर रॉब दिखाने पर्दे पर आ रहे अभिनेता थपति विजय, फिल्म वरिसु का फर्स्ट लुक आउट। अमेरिका में बच्चे आजाद के साथ बारिश में खेला फुटबॉल, मानसून में दिखे पिता और बेटे की बॉन्डिंग। आदित्य राय कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म का BTS वीडियो किया शेयर, एक्शन के साथ साथ एक्टर का दिखा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। रॉकस्टार बने अमिताभ बच्चन ने फुल स्वैग में किया नाच, पंजाबन का होगा स्टार, फ्रांस ने कहा ब्लॉकबस्टर। देश में कोरोना के नई थम रही रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना की 12,249 नए मरीज आए सामने, हुए सक्रिय मामलों की संख्या 81,000 के पार। हाथी में एक बार फिर डराने लगा है कोरोना एक्टिव केसों की संख्या हुई 11, सक्रिय मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। रुकेश्वर से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होंगे।